नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण और आपका स्वागत है YouTube चैनल अमेजिंग ज्ञान में। दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। कोई व्हाइट टी पसंद करता है, कोई ब्लैक टी पसंद करता है, तो कोई ग्रीन टी पसंद करता है, तो कोई मिल्क टी पसंद करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप पता है कि सभी चाय में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी, मिल्क टी और अन्य कई चाय के प्रकार है, तो इन सभी चाय में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। दोस्तों देखिए, जो चाय होती है वो चाय के पत्तियों से ही हम चाय बनाते हैं, यानी कि चाय के पत्तियों की पाउडर होती है। तो दोस्तों, जो चाय की पत्तियां होती है उस पर अलग अलग प्रोसेसिंग किया जाता है, जैसे कि स्टीमिंग होती है जिसको आप फर्मेंटेशन कह सकते हो, साथ ही फ्राइंग प्रोसेस भी होती है। तो ये सभी प्रोसेस करके अलग अलग चाय को बनाया जाता है, जिससे हमें ब्लैक टी, व्हाइट टी, ग्रीन टी मिलता है। तो दोस्तों, ये सभी चाय जो होते हैं वो एक ही पौधे से, एक ही वनस्पति से तैयार की जाती है, और उस वनस्पति का नाम है कैमेलिया सिनेंसिस। तो दोस्तों, चाय के पत्तियों पर अलग अलग प्रोसेसिंग करके अलग अलग प्रॉपर्टीज चाय में तैयार होती है, जिससे हम अलग अलग चाय पा सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, व्हाइट टी है, ओलांग टी है। तो दोस्तों, चाय की पत्तियों पर अलग अलग प्रोसेसिंग करने से उसका टेक्सचर और प्रॉपर्टीज बदल जाती है। अलग अलग प्रोसेसिंग से होता क्या है, जो ऑक्सीडेशन लेवल होता है वो बदल जाता है, और ऑक्सीडेशन लेवल बदलने से उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, फ्लेवर होता है, वो बदल जाता है। तो सबसे पहले हम व्हाइट टी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, व्हाइट टी सबसे ज़्यादा चाइना में पॉपुलर है। व्हाइट टी को सबसे ज़्यादा चाइना में कंज्यूम किया जाता है, और व्हाइट टी सबसे सॉफ्ट होता है और सबसे हेल्दी होता है। दोस्तों, व्हाइट टी, जैसे कि मैंने पौधा बताया कि कैमेलिया सिनेंसिस, तो उस पौधों से जो छोटे पत्तियां होती है, जो एंग लीव्स होती है और जो कलियां होती है, उनसे बनाई जाती है। दोस्तों, इस पर बहुत ही कम प्रोसेस किया जाता है, यानी कि जो व्हाइट टी होती है वो बहुत ही कम प्रोसेस्ड होती है और सबसे कम ऑक्सीडाइज्ड होती है। इससे होता क्या है, जो नेचुरल जो घटक होते हैं वो वही के वही वैसे ही रहते हैं, और जिससे हमें उसमें एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर के लिए बहुत फायदा होता है। साथ ही दोस्तों, इसमें कैफीन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और ये चाय हेल्दी होती है, सॉफ्ट होती है, ये चाय स्ट्रांग नहीं होती है, और कलर में पानी की तरह दिखती है, बहुत ही लाइट कलर होता है। और इस चाय का स्वाद फ्लावरी होता है, यानी कि इसका स्वाद जो होता है वो फूलों की तरह होता है। ग्रीन टी, दोस्तों ग्रीन टी चाइना और जापान में ज़्यादा पॉपुलर है, और यह ग्रीन टी जो होती है, ये चाय भी सॉफ्ट होती है, कलर में ग्रीन कलर की होती है। दोस्तों, ये चाय व्हाइट चाय के तुलना में ज़्यादा प्रोसेस्ड होती है, और इसमें ऑक्सीडाइजेशन लेवल व्हाइट टी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें नेचुरल कलर जो ग्रीन कलर है वो पाया जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजेशन लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसी वजह से ग्रीन कलर वैसे के वैसे बना रहता है, जिससे हमें चाय में ग्रीन कलर देखने को मिलता है। ये चाय हेल्दी होती है, इसमें कैफीन की मात्रा कम होती है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ये चाय सबसे हेल्दी होती है। और दोस्तों, इस चाय का फ्लेवर थोड़ा सा ग्रासी और अर्थी होता है। ब्लैक टी, दोस्तों ये चाय वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा पॉपुलर है। इस चाय पर सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग किया जाता है, ये चाय सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज चाय होती है। और दोस्तों, इस चाय में अलग प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे कि स्टीमिंग है, साथ ही जैसे दोस्तों फ्राइंग है, ये प्रोसेसिंग किया जाता है। दोस्तों, इसमें चाय के पत्तियों को सुखाया जाता है, जिससे होता क्या है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वो ट्रिगर होता है। ये चाय सबसे स्ट्रांग होती है, ये चाय डार्क ब्राउन कलर में होती है, और इस चाय में सबसे ज़्यादा कैफीन पाया जाता है। इसमें अलग कई अन्य घटक होते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होते, वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट कम पाए जाते हैं, और दोस्तों ये चाय स्ट्रांग होने के कारण ये हमारे हेल्थ के लिए बाकी चाय के तुलना में, जो व्हाइट टी है, ग्रीन टी है, उनके तुलना में उतना हेल्दी नहीं होता है। दोस्तों, ब्लैक टी चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों, चाय के अन्य कई सारे प्रकार हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो ओलांग टी, दोस्तों ये जो चाय होती है, ये चाय जो ग्रीन टी है उससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होती है, और जो ब्लैक टी है उससे कम ऑक्सीडाइज्ड होती है, यानी कि ग्रीन चाय और ब्लैक चाय उनके बीच में इसकी कैटेगरी आती है, और ये चाय भी हेल्दी होती है, और बहुत सारे लोग ओलांग टी को पसंद करते हैं। हर्बल टी, दोस्तों ये चाय ओरिजिनल चाय के प्रकार में नहीं आता है, क्योंकि हम जो रेगुलर चाय पीते हैं उसमें हर्ब्स, फ्रूट्स और कुछ फ्लावर्स के जरूरी घटक मिक्स किए जाते हैं, जिससे हर्बल चाय बनाई जाती है। रूइबॉस टी, दोस्तों ये चाय मेन चाय के प्रकार में नहीं आता है, क्योंकि इस चाय को अलग पौधों से, अलग वनस्पति से बनाया जाता है, और यह चाय साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और इस चाय में कैफीन नहीं होता है। मिल्क टी, दोस्तों हम जो रेगुलर चाय पीते हैं, चाय का प्रकार कौन सा भी हो, अगर हम उसमें दूध मिलाते हैं तो मिल्क टी बन जाती है, और हमारे इंडिया में मिल्क टी सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। और दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि मिल्क टी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, कि दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नेचुरल टी जो होती है, ब्लैक टी है, ग्रीन टी है,
और जो व्हाइट टी है उसमें जो कुछ जरूरी घटक पाए जाते हैं वो जरूरी घटक दूध मिलाने से कम हो जाते हैं और कुछ घटक गायब हो जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि दोस्तों मिल्क टी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सही नए नॉलेज वीडियो आपके लिए रोजाना करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।